हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, एक्सेप्शनल लीडर, एक्सेप्शनल लीडरशिप, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे गोल डायरेक्टर, जबरदस्त लीडर संतोष प्रधान जी को। संतोष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। या यू आर अनम्यूटेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी कैन हियर मी। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। सो मैं आप सबको अपना अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल बताना चाहूंगा। मैंने बेस्टीज के साथ जब जर्नी स्टार्टअप किया तो उस टाइम में मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे, एंड ग्रेजुअली प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ मुझे बेनिफिट हुआ। मेरे पेरेंट्स भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, एंड जितना भी मैंने बेस्टी से आज लर्न किया उसकी रिजल्ट यह है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है वेस्टीज में। यह पिछले कुछ महीनों की इनकम है मेरी, पिछले लाइक हम लोगों ने जब से काम स्टार्टअप किया, आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे, मेरी पहली चेक थी 579, एंड पिछले महीने की मेरी चेक थी 32,700। और आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं या फिर जिन लोग को लगता है कि आने वाले टाइम में वेस्टीज में क्या पॉसिबल है। एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, ठीक है, एक बहुत ही रिच बंदा होता है और दूसरा थोड़ा सा पुअर क्लास से होता है। लेकिन रिच बंदे के पास थोड़ा सा ईगो बहुत ज्यादा होता है, पुअर के पास ईगो नहीं होता है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। एक दिन क्या होता है, जो अमीर वाला लड़का, उसको थोड़ा एलर्जी हो जाती है आंखों में। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा आपको ना एक एलर्जी हो गई है, जिसमें कि आप अगर सिर्फ ग्रीन कलर देखोगे तो आपकी आंखें अच्छी रहेगी, अगर आप ग्रीन के अलावा कोई भी और कलर देखोगे तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स आएगा, राइट? तो उसने बोला कि ठीक है। फिर घर जाता है और रास्ते में उसका दोस्त पूछता है कि देख मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुझे वो आइडिया शेयर करूंगा। वो जो दूसरा वाला उसका दोस्त था, आइडिया ये होता है कि कैसे मैं तेरे को एक सॉल्यूशन दूंगा जिससे कि सिंपल एंड इजी मैनर में तू अपना एलर्जी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो अमीर वाला लड़का, वो काफी इगोइस्टिक होता है, बोलता है कि तू मुझे क्या सिखाएगा और तेरे पास इतना भी नॉलेज नहीं है कि तू मुझे सिखाएगा। होता क्या है कि वो अमीर लड़का घर जाता है, सारे चीज को ग्रीन कलर से पेंट कर देता है, और किधर भी जाता है वो अपने साथ दो चार पेंटर रखता है और बोलता है कि भाई इसको ग्रीन कलर में पेंट करवा दो। काफी टाइम जाने के बाद वो टेक्निकली कोई भी हर चीज को तो पेंट नहीं कर सकता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक दिन ऐसे ही अपने उस पुराने दोस्त को याद करता है, बोलता है कि अच्छा तू मुझे बोल रहा था कि कुछ आइडिया है, थोड़ा बता तो क्या तेरा आइडिया है। तो उसका जो दोस्त है वो बोलता है, भाई तुझे ग्रीन कलर का चश्मा पहनने के लिए मैं बोलने वाला था। वो जैसे ही ग्रीन कलर का चश्मा पहनता है, सचमुच उसको पूरी दुनिया ग्रीन ही ग्रीन दिखती है। तो फिर वो सोचता है कि काश मैंने इस आइडिया को थोड़ा पहले सोच लिया होता, ना तो मेरा इतना टाइम, ना तो मेरी इतनी एनर्जी, ना तो मेरा इतना पैसा वेस्ट होता। बहुत बार क्या होता है, मुझे जब पहली बार प्लान दिखाया गया था तो मुझे भी किसी ने ऐसा बोला था कि भाई देख, लाइफ में बड़े सक्सेसफुल बनना है तो रास्ता एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग वाला भी है और रास्ता एक स्मार्ट डायरेक्शन में चलने का भी है। मेरी थोड़ी अकल सही जगह पे थी तो मैंने उनको फॉलो किया, और फॉलो करने के कारण ये है कि कुछ 6-7 महीने पहले मैंने 500 रुपी से इनकम स्टार्टअप किया और पिछले महीने की इनकम 32,700 हो पाई। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा उस दोस्त की बात सुन लिया करो जो आपको ना अच्छी डायरेक्शन में लेने के लिए आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है। वरना लोग क्या करते हैं, मीटिंग से जाते हैं, वो सजेशन किससे लेते हैं, एक ऐसे इंसान से जो ना तो इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ किया है, ना तो उस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो राइट इंसान से आप लीजिए। अगर आपको पतला होना है तो आप कभी मोटे व्यक्ति से सलाह नहीं कर सकते। अगर आपको स्लिमनेस अचीव करनी है तो आप उस बंदे से पूछो जो या तो स्लिम ऑलरेडी है या फिर जो स्लिम बनने के लिए जिम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, समझदारों को इशारा काफी है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। इनकम बताया, 9 तरीके की इनकम आपको मिलती है, रिटेल बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, ब्रांच डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलीट क्लास बोल क्लब बोनस, ये सारे के सारे इनकम आपके हो सकते हैं। और आपको एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपना शॉप चेंज करना है। यू जस्ट नीड टू चेंज योर शॉप, दैट्स इट, राइट? एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड यू कैन अर्न so much of rupees, so much of income. अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब लोग पूछते हैं कि भाई किसने किया, right? मैं आपको बता रहा हूं, एक example मैं आपको हर तरीके के example दूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 72 के एज के एक लीडर वेस्टीज में, मिस्टर रमेश पुनानी, 72 समझते हैं ना, मतलब हमारे दादाजी की उम्र,
मतलब 60 साल में तो रिटायर करते, 72 के एज में रमेश पुनानी सर आज 30 लाख रुपए महीने का इनकम कर रहे हैं। आप वहां पे देख पा रहे हो जून 2020, मतलब ये पिछले महीने का ही इनकम है इनका, पिछले महीने का इनकम है, लग्जरी गाड़ी ये वो सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, आप सोच के देखिए, मैं उड़ीसा में आ जाता हूँ, भद्रक शहर से बिलोंग करते हैं मिस्टर भावक राय माझी, फिजिकली चैलेंजेस सोच के देखिए, फिजिकली एक एक्सीडेंट में उनके कमर का नीचे का हिस्सा जो है वो लाइक मतलब पैरालाइज हो गया, और व्हील चेयर में बैठे बैठे आप सोचिए, अगर आप घर में बैठ जाते हैं ना, आपको इनकम आएगा नहीं आएगा, लोगों को टेंशन हो जाता है। आज व्हील चेयर में बैठ के मिस्टर भावक राय माझी फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद, ये अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जून मंथ का इनकम है 9,60,000 रुपए का इनकम। अब देखिए, मैं रमेश पुनानी सर की बात करता हूँ या भावक राय माझी सर की बात करता हूँ, सबने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, एक छोटा सा काम किया है, उन्होंने अपना शॉप चेंज किया था और आज वो यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, मिस्टर सोनू शर्मा, इनके कौन नहीं जानता, आप इंटरनेट पे चले जाइए, यूट्यूब में चले जाइए, आप टिकटॉक खैर रहा नहीं, खैर इंस्टाग्राम में चले जाइए, जहां पे भी जाएंगे सोनू शर्मा सर का मोटिवेशनल टॉक्स कौन नहीं जानता। जी हाँ, वो वेस्टीज में फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और 17 लाख रुपए उनके तो सिर्फ वेस्टीज से आते हैं। आप सोच के देखिए, मतलब यूट्यूब में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है मिस्टर सोनू शर्मा सर के, और वो वेस्टीज में डायरेक्ट सेलिंग आज करते हैं। एक हाउसवाइफ मिसेस शिवानी महंती कटक से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से, 11 लाख की इनकम पिछले महीने मिसेस शिवानी महंती की वेस्टीज के माध्यम से। सोच के देखिए, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ, एक ओडिया मिडिल क्लास फैमिली हाउसवाइफ है, और होने के बावजूद वेस्टीज ने उनके सपनों को पंख दिया और आज यहाँ पे है। उन्होंने क्या किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उन्होंने बस अपना शॉप चेंज किया। आप भी करेंगे तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लीडर्स, ये सारे लेजेंड्स हैं वेस्टीज में, लेजेंड्स हैं, और मैं आपको जिनका अभी दिखा रहा हूँ फोटोग्राफ, इस मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ा चेक तो नहीं है, हाँ वेस्टीज के माध्यम से यही शॉप चेंज करके, आज शॉप चेंज करके 1 करोड़ रुपए महीना आज वेस्टीज से इनकम कर रहे हैं, शॉप चेंज करके, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। यूथ आइकॉन 24 साल के मिस्टर शिवम गोस्वामी, जिनका फोटो मैंने पहली बार पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, 11 लाख रुपए महीने के इनकम आज उनकी है वेस्टीज के माध्यम से, 7 डिजिट इनकम 24 साल के एज में। आप सोच के देखिए मिस्टर शिवम गोस्वामी, लेडीज, लेडीज कहीं पे पीछे नहीं है तो वेस्टीज में भी पीछे नहीं है। 22 साल की लड़की मिस पूर्णिमा सिंह, आप सोचिए देखिए, पूर्णिमा सिंह 2 लाख रुपए महीने की इनकम कर रही है सिर्फ और सिर्फ 22 साल की एज में। मिस्टर कुशल शर्मा, यूथ आइकॉन इंडिया के, आज छाए हुए हैं पूरे इंडिया भर में, आप सोच के देखिए 24 साल की एज में 7.5 लाख रुपए वेस्टीज से इनकम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जी रहे हैं।